अरे सर मैंने कर दिया रिपेमेंट, मेरे को लगा 1200 और 3200 की दो लोन ली। आज के इस वीडियो में एक सब्सक्राइबर के पास कॉल करने वाला हूं जो कि एआई क्रेडिट एप्लीकेशन से और फ्यूचर रूपी लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर के फंस चुका है, जो कि फ्यूचर रूपी लोन एप्लीकेशन को रिपेमेंट भी कर दिया फिर भी उनके मैसेज जा रहे हैं। तो सबसे पहले इनके पास कॉल करते हैं, आखिर इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ है, कैसे इनको हरासमेंट किया जा रहा है, और इस वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन भी देने वाला हूँ। अगर आप भी हरासमेंट ब्लैकमेल हो रहे होगे तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करो और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो ही आप प्रॉब्लम से बच सकते हो। तो चलिए सबसे पहले कॉल लगा लेता हूं। हेलो, मैं रितेश मौर्य बोल रहा हूं, टेक्निकल सेलेक्टर से। अभी इंस्टाग्राम पे बात हुआ था, आपको एआई क्रेडिट एप्लीकेशन से प्रॉब्लम हुआ है ना? हाँ सर। जो जो प्रॉब्लम हुआ है सारा कुछ बताओ, कैसे आपने लोन के लिए अप्लाई किया, कैसे एप्लीकेशन के बारे में पता चला, क्या क्या हरासमेंट हो रहा है, सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करो भाई, कोई चीज छुपाना नहीं है, ठीक है? हाँ सर, कुछ नहीं छुपाऊंगा सर। हुआ इसमें ये है, कल मैंने किया, मेरी मॉम ने एक एआई क्रेडिट ऐप में कल या परसों, पहले सर हमारा, मेरी मॉम ने दो ऐप में, फर्जी ऐप में डाल दी थी। एक था सर वो अपना फ्यूचर, पता चल, हाँ, फ्यूचर रूपी और एक था एआई क्रेडिट एप्लीकेशन, सही बोले, फ्यूचर रूपी और एआई। तो सर फ्यूचर रूपी में हुआ ही हो कि फ्यूचर रूपी में डाला हुआ है? अच्छा, बराबर। तो उसमें मेरी मॉम ने टू लोन ली, एक दो लोन लिए 3200 और 3200 की दो लोन ली। अच्छा अच्छा। और उसको तो सर मैंने कल रीपे कर दी है और वो बता भी रहा है कि हाँ रीपे हो चुकी है, अब एक भी लोन नहीं है। अच्छा अच्छा। आगे अंदर एक और लोन लिए एआई क्रेडिट से। अच्छा अच्छा। अब उसमें हुआ ही है सर, परसों ली लोन, उसमें बताया कि कल ली लोन, रिजेक्ट बताया। अच्छा अच्छा अच्छा। और बट है ना, पापा के अकाउंट में पैसे आए 3010 और ऐप गूगल स्टोर पे, प्ले स्टोर पे से हट चुकी है। हाँ हाँ, हट चुकी है, प्ले स्टोर से हट चुकी है एआई का। तो फिर उसमें सर समझ नहीं आया अब करना क्या है, क्योंकि अब 3010 की पैसे तो आया, अमाउंट आया है। हाँ, आया है। बताया कि रिजेक्टेड है, बट पैसा आया है, अब उसमें क्या करना है सर, मैं बहुत कंफ्यूज, मैं फंस गया। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपका जो फ्यूचर रूपी लोन एप्लीकेशन है वो अभी आपने रिपेमेंट पूरा क्लियर कर दिया, तो उसका लाइक एजेंट आपको मैसेज वगैरह कर रहे हैं कि और रिपेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है व्हाट्सएप पे? नहीं, बट अलग अलग ऐप का आ रहा है कि इस ऐप में रीपे करना पड़ेगा, लिया नहीं है तो भी आ रहा है। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ, वही तो है वो फ्यूचर रूपी और एआई का ही। जैसे कि देखो जो आपने लाइक फ्यूचर रूपी से लिया, एआई से लिया, तो उसमें अलग अलग कंपनी होते हैं, वहाँ पे काफी सारे कंपनी टाई अप होते हैं, अकेले आपको फ्यूचर रूपी और ना ही एआई क्रेडिट एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है, उसमें काफी सारे कंपनी मिल करके ना आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा है कि उसमें अलग अलग कंपनी ही आपको कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, लाइक आपको हरासमेंट करेगा रिपेमेंट के लिए, बोलेगा आधा घंटा के अंदर रिपेमेंट करो, लाइक 3000 लोन लिए तो आपसे 5000 रिपेमेंट करवाएगा, और आप गलती से भी रिपेमेंट कर दिए तो चलो, आपने तो एक गलती कर दिया, गलती ये कर दिया कि आपने फ्यूचर रूपी का क्लियर कर दिया लोन, लेकिन आपको रिपेमेंट नहीं करना था, ऐसा चीज है। अरे सर मैंने कर दिया रिपेमेंट, मेरे को लगा कि अब मैसेज नहीं आएंगे रिपेमेंट कर दिया है। ओते, कौन बोला? अरे मुझे ऐसा लगा सर। नहीं, क्योंकि देखो ये मैं बोल रहा हूँ कि तो ये एप्लीकेशन जो है ना फेक एप्लीकेशन है, कैसे, क्योंकि कोई भी एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन होता है तो कभी भी 7 डेज के नाम पे लोन ही नहीं प्रोवाइड करेगा, और रिपेमेंट के नाम पे तो हरासमेंट मैसेज कभी भी करेगा ही नहीं करेगा, यानी कि इससे पता चलता है कि ये एप्लीकेशन 7 डेज वाला एप्लीकेशन है। क्योंकि देखो इस एप्लीकेशन के लाइक यहाँ पे फ्यूचर रूपी में ही, या आप एआई क्रेडिट में देखोगे ना, तो लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊँ तो लिखता है अबाउट फीचर्स में कि 91 दिन से लेकर के 240 दिन तक या 200 मतलब 365 दिन तक का रिपेमेंट करने का समय दूंगा। हाँ, लेकिन लोन के लिए अप्लाई हम लोग करते हैं तो एआई से भी किए होंगे या फ्यूचर से भी किए होंगे, तो उसमें 7 डेज का ही आपको रिपेमेंट करने का समय दिया होगा, है ना? सर वो भी जो फ्यूचर रुपी है ना, वो मैंने कल ही परसों ही अप्लाई किया। अच्छा। मॉम ने कर दिया था सर, वो मॉम को तो क्या पता चलेगा, उनको लगा कि लोन दे रहे हैं। हाँ हाँ। तो उन्होंने कर दिया। अच्छा। अब सर इसका सॉल्यूशन क्या करना? हाँ जरूरी है, एकदम सर बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हरासमेंट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, आप रिपेमेंट कर दियो चलो कोई ना, लेकिन अब आपको एआई क्रेडिट के जो एजेंट है ना, ये भी आपके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग नंबर से, लाइक अलग अलग कोड वर्ड से, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको इसको भी इग्नोर करना है, कोई दिक्कत नहीं, हरासमेंट अगर आपको करते हैं लाइक आपका जैक सेल्फी वेरिफिकेशन किए होगे तो उस फोटोज को मोर भी करके आपको भेज सकते हैं, ठीक है ना? बट फिर भी आपको कितना भी करे आपको रिपेमेंट करना नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप एक बार रिपेमेंट कर देते हो ना, मान लो अगर 3000 का आया तो आपसे 40-50 हज़ार रुपये ऐंठ लेंगे और आपको देना भी पड़ेगा, क्योंकि एक बार आप देना स्टार्ट कर देते हो और कोई अलग एजेंट आएगा वो बोलेगा कि तुमने गलत एजेंट को पैसे पे कर दिए या 2000 और इंटरेस्टेड है, यानी कि ऐसे ऐसे करके मतलब ये लोग सर्कल तैयार कर लिया है
पर आपको रिपेमेंट करवा ही लेगा कैसे भी कैसे करके, तो इससे अच्छा है कि रिपेमेंट ही नहीं करना है, ठीक है ना। और आपको ये भी डरना नहीं है कि लाइक आपको डाउट होगा कि लाइक अगर मैं रिपेमेंट नहीं करता हूँ तो मेरे घर पे पुलिस आ सकता है या इसके एजेंट आ सकते हैं, मेरा सिविल स्कोर खराब हो सकता है, लीगल नोटिस आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ना ही आपका सिविल स्कोर खराब होगा, ना ही आपके घर पे इसके एजेंट आएंगे, ना ही पुलिस केस होगा, ठीक है ना। देखो ये अप्लीकेशन 7 डेज वाला अप्लीकेशन है और फ्रॉड कर रहा है, तो यानी कि जो ये कंप्लेन कर ही नहीं सकता है, ये बस हाँ आपको डराएगा धमकाएगा कि तुम रिपेमेंट नहीं करोगे पुलिस भेज दूंगा, एजेंट भेज दूंगा तुम्हारे घर पे, ऐसा वैसा करेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इसके वेबसाइट एप्लीकेशन तो प्ले स्टोर से हट गया है, लेकिन इसके वेबसाइट पे भी आपको बोलेंगे कि पेमेंट करो, लेकिन आपको पेमेंट कहीं भी नहीं करना है। देखो सबसे पहले आपको बता दूं कैसे बच सकते हो दोनों एप्लीकेशन से, या तो फ्यूचर लोपी से भी अगर आपको प्रॉब्लम होगा यानी कि उसका भी एजेंट मैसेज करेंगे, या आपको AI क्रेडिट का भी एजेंट आपको मैसेज करेंगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इनको व्हाट्सएप पे पहले तो आपको ब्लॉक करना है जो भी एजेंट आपको मैसेज करेंगे, ठीक है। और जो एप्लीकेशन जो था उसको अनइंस्टॉल कर दिए क्लियर कैसे या क्लियर डाटा करके दोनों को। वो तो सर मतलब वो तो एप्लीकेशन ही हट गया है। हाँ, तो ये जो फ्यूचर क्रेडिट है वो मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। हाँ, फ्यूचर कैश को क्लियर कैशेज करके, क्लियर कैशेज करके, क्लियर डाटा करके उसके बाद ही इसको अनइंस्टॉल करना, ठीक है ना। देखो सबसे पहले एप्लीकेशन पे क्लिक किए रहोगे ना तो वहाँ पे ऐप इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टोरेज में जाना है, ठीक है। स्टोरेज, हाँ हाँ, स्टोरेज में जाने के बाद वहीं पे देखो क्लियर कैशेज और क्लियर डाटा का ऑप्शन होगा। हाँ हाँ सर, बस उस पर क्लियर कैसेज और क्लियर डाटा कर दो और उसके बाद अनइंस्टॉल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चीज हो गया। उसके बाद व्हाट्सएप पे जैसा कि बताया था कि अलग अलग नंबर से एजेंट आएंगे तो मैसेज करेंगे, तो उसको ब्लॉक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेटस डालना है जिसमें आपको लिखना है कि मेरा फोन जो है हैक हो चुका है, ताकि लोगों को लगना चाहिए ना कि मान लो उनके पास कोई मैसेज ही कर देता है गलती से भी, चलो चला गया, तो उन लोगों को लगना चाहिए कि हाँ भाई हैक हो गया है इसका फोन, इसीलिए मैसेज फोटोज वगैरह आ रहा है। तो आपको बताना नहीं है लोगों को कि मैंने लोन लिया है, क्योंकि बेइज्जती वगैरह होगा ना। सर मैं समझ गया, हैक हो गया फोन ही। हाँ हाँ, बताना नहीं है। और एक और बात कि जो आप लोन के लिए अप्लाई किए थे या तो AI क्रेडिट एप्लीकेशन में या फ्यूचर रूपी लोन एप्लीकेशन में, तो उसमें आपका रेफरेंस में नंबर लिया था, और लिया था तो कितना मांगा था दोनों में? सर रेफरेंस नंबर मैंने इनको भेज किया था और 3100 अमाउंट दिया था। नहीं नहीं, रेफरेंस नंबर मैं बोल रहा हूँ, रेफरेंस नंबर जैसे कि लाइक कॉन्टेक्ट लिस्ट का नंबर, लाइक आपका फैमिली का मेंबर्स का, ऐसा कुछ करके। मेरे भाई का दिया था, एक मेरे एक मेरी मम्मी के ब्रदर का था, एक मेरा था, एक मेरे फादर का था, एक फ्रेंड का था, और दो फ्रेंड के थे, मेरे पापा के दो फ्रेंड उनका नंबर। अच्छा अच्छा, चलो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोग का अपना फैमिली का ही था तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हो सकता है ना कि अधिकतर इन लोग का मेन एजेंडा होता है ना कि आप जो रेफरेंस में नंबर दिए रहोगे ना इन्हीं के पास कॉल मैसेज करता है, ठीक है ना। तो आप लोग तो हैंडल कर ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। आपने साफ बोलना है रेफरेंस में जिसके पास मैसेज आएगा, बोलना है कि मैं इसको जानता ही नहीं हूँ, ठीक है ना, आपने गलत नंबर पर मैसेज कर रहे हो, ठीक है। Okay. तो ऐसा कुछ करना है। उसके बाद सिंपली से आपको स्टेटस डालने के बाद 24 से 48 घंटे के बाद व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है ना। आपका व्हाट्सएप इंपॉर्टेंट होगा फिर भी, ठीक है। हाँ, समझ गया। उसके बाद आपको जैसे ही WhatsApp को अनइंस्टॉल करोगे ना तो वहाँ पे आपको भर भर के कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉल करेंगे तो आपको डरना नहीं है, बात करना है अच्छे से। अगर वो जैसे बात करेंगे वैसे ही बात करना है, लाइक आपको डराएंगे तो आपको भी उनको डराना है, धमकाना है, लाइक बोलेंगे कि तुम्हारा फोटोज को वायरल कर दूंगा, वीडियोज इधर भेज दूंगा, कॉन्टेक्ट लिस्ट में ये कर दूंगा, पुलिस घर पे भेज दूंगा। आपको भी बोलना है कि जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं तुम्हें एक भी रुपया रिपेमेंट करने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। डरना नहीं है, डॉन्ट करके सामना करना है, एजेंट को भी लगे ना कि हाँ सामने वाला बंदा जो है ना मतलब कि दबंग आदमी है, ऐसा करके, ठीक है। हाँ, सर, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी मॉम का फोटो है तो सर कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। नहीं नहीं ना, बस आपका हाँ एक और बात, आपका गैलरी क्या है कि नहीं करता है, बस वही आपका जो सेल्फी वेरिफिकेशन किए होगे ना बस उसी का थोड़ा सा, और वो भी क्लियर उतना सेल्फी में नहीं आता, पहचान नहीं पाओगे। अगर आपके पास भी जाएगा ना तो पहचान नहीं पाओगे, ठीक है ना। बस वो आपको लगेगा कि हाँ भाई हो सकता है आप, क्योंकि एडिट करेंगे क्या करेंगे, नहीं मॉर्फ करते हैं केवल, ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखो आप अपने मॉम को रोज देख रहे हो तो आपको लगेगा पहचान जाओगे, लेकिन लोग आपके मॉम को थोड़ी ना रोज देखते हैं तो कैसे पहचानेंगे, कुछ वहां पे पहचाना नहीं जा सकता है, ठीक है ना। ऐसा होता है, नहीं नहीं अधिक 99% चांस है कि आपके रेफरेंस में ही भेजेंगे, और रिलेटिव्स को कोई भी आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट पे नहीं भेजते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो रेफरेंस में भेजेंगे तो आपको भेजेंगे, आपके फादर को भेजेंगे, आपके लाइक मामू जो भी लगते हैं, अपने मम्मी के भाई, तो उनको भेजेंगे, बस। ओके सर, और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिए। ठीक है सर, आपने वो व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देना है और अनइंस्टॉल कर देना है। पापा के सर क्रेडिट कार्ड भी है, और पापा का मतलब समझ गए ना सर आप। हाँ हाँ, नहीं ये सब कुछ नहीं, कोई आपका गैलरी हैक नहीं करता है, ना ही आपका ओटीपी नहीं बताना, ओटीपी बता दोगे तो भाई तो यूज कर ही सकता है ना।
तो ये सब चीज कभी भी नहीं बताना, गलती से भी नहीं, ठीक है? ओके ओके हाँ ओके सर। उस स्टेटस डालना है और बता रहा हूँ, हाँ, और इसके बाद बता रहा हूँ कि आपको कॉल करेंगे मतलब बहुत ज्यादा हरासमेंट करेंगे, प्रॉब्लम करते हैं, तो ट्रू कॉलर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। उसमें तीन सेटिंग आपका होगा ट्रू कॉलर में, अननोन नंबर को ब्लॉक और एसएमएस यानी कि स्कैमर जो है आपको कॉल करेंगे ना तो वो उसको यहाँ पे ऑन कर देना है। इससे क्या होगा ना कि अलग अलग कंट्री से आपको कॉल करते लाइक चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसा ऐसा कंट्री से कॉल करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, अननोन नंबर आएगा या फ्रॉड नंबर से कॉल आता है, तो ठीक है? तो ये चीज को भी करना है, ठीक है? तो अपने टेलीग्राम पे कि सर कैसे करते हो आप बता दीजिए, क्योंकि सर मैं बहुत ज्यादा फंस चुका हूँ। क्योंकि अब हुआ यूँ है कि मेरे पापा को पता नहीं है, मेरे पापा ने सिर्फ पापा के फोन में वेरिफिकेशन के पापा को लगा, वो नहीं पता सर रिंग है बाकी है ना सर, वो तो सर सर्टिफाइड है। हाँ, वो तो सब एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज एप्लीकेशन है। हाँ, तो पापा उसमें से कभी यूज करते थे बिजनेस के लिए, पर इस बार क्या होता मम्मी ने रेफरेंस, मम्मी ने कहा कि इसको भी यूज करो, ये मतलब मम्मी ने देखा कि हाँ इस पे भी लोन मिलती है। हाँ, क्योंकि इसको डाउनलोडिंग और रेटिंग देख करके लग रहा है कि भाई सही में मतलब इसे लोन मिल सकता है, ऑथराइज है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो पापा को पता नहीं कि अभी तक ऐसा हुआ है, अगर पापा के ऊपर मैसेज जाएंगे तो फिर पापा को पता चलेगा ना सर। तो पहले ही अपने सारा सेटिंग्स कर लो। ये ट्रू कॉलर टेलीग्राम नहीं बोल रहा हूँ, ट्रू कॉलर आपने नाम सुना होगा, आप यूट्यूब पे सर्च करना कि ट्रू कॉलर में कैसे ब्लॉक किया जाता है, ठीक है? सेटिंग्स में जाओगे ना तो वहाँ पे ब्लॉक अननोन नंबर का था, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना ना कि कैसे ट्रू कॉलर में ब्लॉक किया जाता है अननोन नंबर को, ठीक है ना? मिल जाएगा आपको काफी सारे वीडियोस, ठीक है? और उसके बाद आप सिम को हो सके ना अगर ट्राई करो कि आप डिसेबल करके रखो सिम को, लाइक अभी बंद करके रखो कुछ देने के लिए, नहीं तो आपको कॉल मैसेज करेंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ लाइक अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर और भी प्रॉब्लम होता है आपको तो मेरे पास कॉल कर सकते हो, लेकिन मैं सिम को ही निकाल देता हूँ तो आपका जो मेरे से जो कॉन्टेक्ट है ना वो टूट जाएगा। तो वैसे ही एजेंट के पास आपका नंबर होगा, तो जो एजेंट के पास नंबर होगा ना तो उस सिम को अगर आप बंद रखते हो तो कॉल करेगा तो आपके पास कॉल लगेगा ही नहीं, तो ना आपका हरासमेंट करेगा, ब्लैकमेल किसको करेगा जब आपके पास कॉल ही नहीं लगेगा। तो आप हो सकता, हाँ, अगर आप फोन पे यूज करते होगे लाइक आप उसी नंबर से तो उस नंबर को फोन में ही डिसेबल करके रखो, जब आपका काम पड़े इनेबल करो, अदरवाइज अगर आपका फोन पे वगैरह यूज नहीं करते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम नहीं है मतलब, तो सिम को निकालो, एक महीने तक आपको ऐसे ही बंद करके रखना है, नया सिम को अभी यूज करो कुछ समय के लिए, ठीक है? बट फिर बाद में वही सिम को यूज करना, ठीक है? हाँ, बस 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 यही चीज कर देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा, ज्यादा दिक्कत होता है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर, मैं अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं आपको जरूर कॉल करूँ। हाँ चलिए ठीक है, हेल्प कर देना। हाँ जरूर 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 जरूर। और सर ये मतलब अगर समझो कि ये पांच मतलब मैक्स टू मैक्स ये लोग कितने दिन तक कॉल करेंगे? कम से कम देखो वैसे तो 10-15 दिन तक कॉल करते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं कम से कम एक महीने तक कॉल आ सकता है। और साइबर क्राइम में भी जाते हो तो सेम आपको यही एडवाइस देते हैं कि आपको इग्नोर करना है, आपको फोन को मतलब बंद करके रखना है, क्योंकि काफी सारे लोग साइबर में जाकर के मेरे को बताते भी कि ऐसा जो आप बताते हो वही वो लोग भी बताते हैं, तो और कोई इसका उपाय नहीं है, फ्रॉड कर रहे हैं तो आपको रिपेमेंट नहीं करना है, ठीक है ना? रिपेमेंट करोगे तो फंस जाओगे। अब नहीं करना है, मैं पता है कि आपने गलती कर चुका है, बट अब नहीं करना है, ठीक है? ओके सर। हाँ चलो ठीक है, फिर बाय। हाँ वेलकम, मदद करने के लिए। हाँ चलिए बाय। तो आई होप ने कि देखा फ्यूचर रूपी लोन एप्लीकेशन और एआई क्रेडिट लोन एप्लीकेशन कैसे लोगों को रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट ब्लैकमेल कर रहा है, और आज के इस वीडियो में कंप्लीट वॉच किया होगा तो आपको सारा कुछ डिटेल में पता चल गया होगा। अगर आप भी हरासमेंट ब्लैकमेल हो रहे होगे तो जो जो तरीका बताया उस तरीके को फॉलो करोगे तो आप भी हरासमेंट ब्लैकमेलिंग से बच सकते हो, ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, इंस्टाग्राम पे आप अपना कॉलिंग नंबर सेंड कर सकते हो, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।